हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। सो इस वर्कशीट में हम चैप्टर 1 जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो कंटिन्यू करेंगे। एंड वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक। तो सभी बच्चे रिपब्लिक जो हमारी यहाँ पर वर्ड है से बिल्कुल फैमिलियर हैं। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो जो पीपल हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होती है, ठीक है। यानी मोनार्की सिस्टम नहीं होता है, किंग सिस्टम नहीं होता है, वो जो है रिपब्लिक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बहुत ही हिस्ट्री की एक फेमस आप कह सकते हो रिमार्केबल रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें फ्रांस जो है वो क्या था, वो क्या हो गया था, रिपब्लिक हो गया था, ठीक है। मोनार्की सिस्टम यानी जैसे किंग होते हैं जैसे ब्रिटेन में है, तो इस तरह से जो मोनार्की सिस्टम है उसका एंड हुआ था और रिपब्लिक सिस्टम वो शुरू हो गया था। सो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एग्रीड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो लोग जो हैं वो रिबेल कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो जो लुईस 16 हैं वो मान गए फाइनली किसके लिए, नेशनल असेंबली बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर वो राजी हो गए। एंड ऑन 4 अगस्त 1789 ऑल द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस वर एबोलिश्ड बाय अ डिक्री। डिक्री क्या होता है यहाँ पे बच्चों, ऑर्डर होते हैं। सो 4 अगस्त 1789 को एक ऑर्डर जो है वो पास किया गया जिसके अंदर जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम क्या है, जिसमें जो सामंती व्यवस्था होती है यानी जिसमें लोगों से जो किसान हैं उनसे टैक्स लिए जाते हैं और उसका कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट जो है उसको जमा करा दिया जाता था, ठीक है, जो किंग थे उनको जमा करा दिया जाता था और बाकी जो है उसको जो लोग इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए लगाए गए थे वो उसको लेके और जो है क्या करते थे, अपना ऐश करते थे। और होता क्या था, जो किसान थे वो जो है इस सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इनकम थी नहीं और उनको टैक्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस वर एबोलिश्ड बाय अ डिक्री, ठीक है। चर्चेज प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्टिकेटेड, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड क्या होता है, जब्त करना, ठीक है। और इसमें जो चर्च में जो लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो भी जो है हटा दिया गया था और जो चर्च की जो प्रॉपर्टीज थी उनको जो है उनकी संपत्ति वो भी जब्त कर ली गई थी। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो 1791 में नेशनल असेंबली वो ड्राफ्ट की गई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ किंग इन टू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और हुआ क्या, जो किंग की जो पावर थी उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, जिसमें जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है, लेजिस्लेचर यानी लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, फंक्शनल किया जाता है। और थर्ड वन जुडिशरी, जो उन लॉज को नहीं मानता है वो उनके लिए क्या है, फिर जुडिशरी है, न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो जुडिशरी सिस्टम है सारा। तो जो किंग की पावर थी उसको थ्री पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी जो अच्छे से बेटा आप फेमिलियर हो इन वर्ड से, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाउएवर वोटिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मैन हु एज्ड अबोव 25 ईयर्स एंड कुड पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबर वेज एंड वर्क ऑन द एक्टिव सिटीजन। अब देखिए इसमें जो है वोटिंग का यहाँ पर लोगों को अधिकार मिल गया। ये एक यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक बहुत अच्छी जो फ्रांस के लिए बात थी वो ये थी कि उनको वोटिंग के लिए राइट मिल गया। लेकिन वोटिंग का राइट किसको मिला, जो कि 25 ईयर्स से अबव थे, साथ ही उनको कुड पे टैक्सेस, जो टैक्स पे कर सकते थे इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस, यानी जो उनकी मजदूरी थी, ठीक है, 3 दिन की मजदूरी का जो लेबर थी उनकी डेली बेसिस पे, उसकी जो है कम से कम 3 दिन की जो मजदूरी थी उसके बराबर जो टैक्स देते थे
उनको जो है वोट करने का यहाँ पर राइट था। एज 25 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, साथ में कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स देते हों, ऐसे लोगों को ये राइट दिया गया। और ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीज़न कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? एक्टिव सिटीज़न, ठीक है। बाकी जो थे उनको पैसिव सिटीज़न की कैटेगरी में डाला गया। पॉलिटिकल क्लब बिकेम अ रैलिंग पॉइंट फॉर द डिस्कशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन विच जैकोबिन क्लब एमर्ज एज द मोस्ट फेवरेट, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब जो है वो बन गई जहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सब डिस्कस होती थी, और उनमें जो मोस्ट फेवरेट था, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, वो कौन सा था? वो था जैकोबिन क्लब। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर एंड दे वर कॉल्ड द सेंस क्लॉट्स, मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। इसमें क्या था? जो ये जो जैकोबिन क्लब था, इसका जो लीडर था, ठीक है, वो कौन था? वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है इसका लीडर था, और उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था, जो इस क्लब के लोग थे, ठीक है ना, ये लिखा है ना, दे वर कॉल सेंस क्लर्ट्स। तो ये जो क्लब के लोग थे इनको कहा जाता था ये जो है संकुलात, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेंसकुलात। सेंसकुलात मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस, यानी नी ब्रीचेस यानी जो घुटने से ऊपर तक की जो पैंट पहनते थे, बिना घुटने वाली पैंट कह सकते हो, बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, यानी जो निक्कर पहनते थे, ठीक है। देवर ऑल्सो वोर रेड कैप, और साथ में क्या पहनते थे? वो रेड कैप भी पहनते थे। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब मेनली बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स, ठीक है। जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के वो मेनली कौन थे? लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन, ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे लोग थे, ज़्यादा वैसे लोग नहीं थे, जैसे छोटे कौन हो गए? छोटे दुकानदार हो गए, स्मॉल शॉपकीपर, है ना, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्ट जो थे, कारीगर हो गए, सर्वेंट हैं, डेली वेजेस वर्कर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली वेजेस वर्कर, वो सब इस क्लब का हिस्सा थे। ऑन 10th August 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड इंसरेक्शन एंड इम्प्रिजन द किंग। 10th August 1792 को क्या हुआ? जैकोबिन्स ने जो क्लब के लोग थे उन्होंने प्लान किया, और उन्होंने जो राजा था, जो किंग था, उसके खिलाफ क्या किया? रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, और जो महल था उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा करके, और जो किंग है उसको इम्प्रिजन द किंग, और किंग को उन्होंने कैद कर लिया। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ऑल मेल हु वर मोर देन 20 ईयर ऑफ एज वर गिवन वोटिंग राइट। अब इलेक्शन कराए गए, ठीक है, और उन सभी लोगों को जो 21 ईयर से ज़्यादा थे सबको वोट करने का राइट दिया गया। दिस न्यू असेंबली वॉज नेम्ड एज कन्वेंशन। जो ये न्यू असेंबली बनी उसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया बच्चों कन्वेंशन का। ऑन 21st September 1792 द कन्वेंशन एंडेड द मोनार्की सिस्टम एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। जो न्यू असेंबली का नाम क्या था? कन्वेंशन। और 21st September 1792 को जो कन्वेंशन है, ठीक है, मोनार्की सिस्टम वो क्या हो गया? उसका एंड हो गया, और जो फ्रांस है वो रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। लुईस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन एंड वाज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड ऑन 24 जनवरी 1793। लुईस जो 16 है उनको चार्ज ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन होता है बेटा देश के खिलाफ जाने वाला, देशद्रोही, ठीक है, तो उनको देशद्रोह का चार्ज जो है वो उनके ऊपर लगा हुआ था, और इसलिए उनको क्या किया गया? सेंटेंस टू डेथ, उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया, उनको मौत की सजा सुना दी गई। एंड वाज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड ऑन 21st जनवरी 1793 को उनको जो है क्या की गई? मौत की सजा जो है वो दी गई, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं, तो इनको हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। फ्यूडल सिस्टम जो है वो फ्रांस में कब उसका एंड हुआ? उसका एंड हुआ ऑन 4th August 1789 को। ऑन 4th August 1789 को जो है ये इसका फ्यूडल सिस्टम का एंड हुआ फ्रांस में।
नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ किंग। जो नेशनल असेंबली है, असेंबली की जो पावर थी, ठीक है, नेशनल असेंबली, उसमें कैसे जो है उसकी पावर्स को, किंग की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। द नेशनल असेंबली डिवाइडेड द किंग्स पावर इंटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स थे? वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए, हाउ वॉज द वोटिंग राइट बी द नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो वोटिंग राइट थी नेशनल असेंबली की, वो जो प्रेजेंट डे है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, उससे कैसे डिफरेंट था। सो द राइट टू वोट वॉज गिवन बाय द नेशनल असेंबली। वोट किसको दिया गया था? टू ओनली मैन ओवर द एज ऑफ 25 हु पेड टैक्सेस इक्वल टू थ्री डेज वेजेस। 25 एज से ज़्यादा जिसकी एज हो, और तीन दिन का जो आप कह सकते हो कि कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स देते हों, उनको जो है राइट दिया गया। वेयर एज अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल पीपल हैव बीन गिवन द राइट टू एन इक्वल वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जबकि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसमें जो है सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक 18 ईयर है, उसके बाद जो है जो वोट देने का अधिकार है वो मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, हु वर द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लब। जैकोबिन जो क्लब है उसके लीडर कौन थे एंड कौन इस क्लब के मेंबर्स थे? तो आंसर लिखेंगे कौन थे, मैक्स मिलियन रॉब्सपियर वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब वर मेनली स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, सर्वेंट्स, डेली लेबरर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक। फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कब हुआ था? ऑन 21 सितंबर 1792 में। ठीक है, तो ये जो है फाइव क्वेश्चन आप कर लेंगे बेटा कॉपी में, एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।